पेट्रोल हो चुका है 100 के पार, कब तक राहत के आसार? कहां पर 1 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल? तेल के खेल पर क्या है सरकार का प्लान? और कितने बढ़े सब्जियों के दाम? इन खबरों के लिए आप देखिए न्यूज टॉप 9, महंगाई मुसीबत। तेल की कीमतों में लगातार जारी तेजी पर आखिरकार आज ब्रेक लगा। तेल कंपनियों ने कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में पेट्रोल 90.58 रुपए, डीजल 80.97 रुपए, जबकि मुंबई में कीमत 96.98 रुपए और डीजल 88.05 रुपए प्रति लीटर बना हुआ है। तेल की कीमतें आज बेशक नहीं बढ़ी, लेकिन अब तक जो बढ़ोतरी हुई उससे आम जनता हलकान है। पहले तो दिक्कत नहीं थी कि 75 रुपए पेट्रोल था, लेकिन अब दिक्कत हो रही है क्योंकि जो भी खर्चा तो ज्यादा हो गया। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1 रुपए की कटौती की है। आधी रात से नई दरें लागू हो जाएंगी। तेल की बड़ी कीमतों पर सियासत भी गर्म है। वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने वाहनों और पेट्रोल डीजल से चलने वाली मशीनों को श्रद्धांजलि देकर बढ़ी कीमतों पर ऐतराज जताया। एसपी ने केंद्र सरकार को जन विरोधी बताया। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। महंगाई से त्रस्त जनता का हवाला देकर मायावती ने ट्वीट किया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द हल निकाले। तेल की कीमतों को कम करने के लिए वित्त मंत्री भी केंद्र और राज्यों से मिलकर काम करने की आवश्यकता बता चुकी हैं, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की कीमत में करीब 60% हिस्सा केंद्र और राज्यों का करों का है। घरेलू जरूरतें और वैश्विक असर भी इसके लिए जिम्मेदार है। बढ़ी कीमतों के लिए राजस्थान सरकार केंद्र को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा वैट राजस्थान में ही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट है। बात करें पेट्रोल की तो यहाँ 36 रुपए प्रति लीटर वैट लगता है और डीजल पे 26 रुपए। प्याज पर भी महंगाई की जबरदस्त मार पड़ रही है। प्याज की खुदरा कीमत 50 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है। अगले 1-2 हफ्ते में इसमें और बढ़ोतरी के अनुमान है। बताया जा रहा है कि बारिश के चलते प्याज की आवक प्रभावित हुई, जिससे दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते बाजार में सब्जियों के दाम में भी बढ़ोतरी हो गई है। व्यापारियों का आरोप है कि ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने अपना भाड़ा बढ़ा दिया है, जिसका असर सब्जियों की कीमत पर पड़ रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।